नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. एडिटिव ADDITIVE एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है तो इसके एडिटिव इनवर्स शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं ए फॉर एडिटिव आई फॉर इनवर्स आई डॉट आई ए डॉट आई डॉट ये एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस जेड हो जाएगा यानी कि इसका नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी. आपने टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेट करें जेड इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर आयोटा है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस जेड हो जाएगा यानी कि थ्री माइनस फोर आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस और आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर आयोटा तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा. इसी तरीके से अगर क्वेश्चन लें अगर फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें वन बाय थ्री माइनस फोर आयोटा तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो जो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड है वो माइनस जेड होता है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन ओवर थ्री माइनस फोर आयोटा. ऐसे लिख सकते हैं माइनस जेड जेड की जगह ये तो जब ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन ओवर थ्री माइनस फोर आयोटा आ जाएगा और इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें थ्री प्लस फोर आयोटा से तो आपको मिलेगा माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ से आ गया माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो ये माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय नाइन माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस वन तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय नाइन प्लस सिक्सटीन तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव तो ये होगा माइनस थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस इंटू प्लस माइनस फोर ओवर ट्वेंटी फाइव आयोटा तो ये इसका आंसर आ गया.